Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 2. Student, इस worksheet में देखो जर्नल से बातें हैं my favorite. तो इसमें आपको अपने जो फेवरेट बातें इसमें पूछी गई है उसका आंसर देना है. मनपसंद, जैसे इसमें कलर पूछा है तो आपका जो कलर है फेवरेट वो आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि मेरा फेवरेट कलर रेड है तो मैंने लिखा रेड. इसी तरह एनिमल, आपका फेवरेट एनिमल आपका जो है वो यहाँ पर लिखना है. जैसे मेरा फेवरेट एनिमल है काउ. फिर सीजन भी लिखना है आपको, सीजन जैसे स्प्रिंग सीजन, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में न गर्मी होती है न सर्दी होती है, मौसम सही होता है. बसंत ऋतु को हम स्प्रिंग बोलते हैं इंग्लिश में. फिर डे, आपको कौन सा डे अच्छा लगता है? मुझे संडे अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन हॉलीडे होती है. हो सकता है आपको भी संडे अच्छा, तो जो डे आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पर लिखना है. फिर है फेवरेट फ्लावर, आपका जो फेवरेट फ्लावर है मनपसंद आपको जो फ्लावर लगता है, फूल लगता है. जैसे मुझे रोज अच्छा लगता है तो मैंने लिखा है रोज. फिर है आपका फेवरेट फ्रूट, कौन सा फ्रूट खाना आपको पसंद है? जैसे मुझे मैंने लिखा है मैंगो, मुझे मैंगो खाना पसंद है, जूसी होता है, स्वीट स्वीट. अब मौसम भी है, समर सीजन है, तो जो भी आपका फ्रूट है फेवरेट वो आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे मैंने लिखा है मैंगो. फिर हम आगे करते हैं वर्कशीट में. ये देखिए इसमें है नेम्स ऑफ फाइव फ्रूट्स, कोई भी फाइव फ्रूट्स के आपको नेम लिखने हैं. जैसे आप लिख सकते हो मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, कोई भी फाइव फ्रूट्स. आपको इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है स्टूडेंट्स, और आपको ये पता होना चाहिए नेम्स ऑफ फाइव फ्रूट्स. फिर नेम्स ऑफ फाइव फ्लावर्स, कोई भी पांच फ्लावर्स के फूल्स के नाम आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे रोज, लिली, लोटस, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, कोई भी फाइव फ्लावर्स आपको लिखने हैं. फिर आगे देखते हैं इस वर्कशीट में. आगे है डेज ऑफ द वीक, वीक के डेज के नाम आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि यहाँ पर ये देखिए संडे इसमें लिखा हुआ है, संडे के बाद क्या आता है मंडे, आपको लिखना है. ट्यूसडे लिखा हुआ है, फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. स्टूडेंट्स ये आपको अपने इंग्लिश की नोटबुक में लिखने भी है, स्पेलिंग भी इनकी लर्न करनी है और प्रैक्टिस करनी है लिख लिख कर देख कर, जिससे आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी एनरिच होगी ऐसे ही धीरे धीरे. फिर ये देखिए नेम्स ऑफ फाइव वेजिटेबल्स, कोई भी आपको फाइव वेजिटेबल्स के नेम्स यहाँ पर लिखने हैं. टमाटो, पटैटो, पीज, कॉलीफ्लावर, कैबेज, तो ये है हमारी फाइव वेजिटेबल्स नेम. तो ये आज की वर्कशीट बिल्कुल ही आसान थी, लेकिन ये आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी एनरिच होगी, और वोकैबुलरी जब तक आपकी डेवलप नहीं होगी आप इंग्लिश लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते. तो आपको ये अपने इंग्लिश की नोटबुक में करनी है और सारे वर्ड्स की स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.